चालाकी से एक खाके में बांध कर रखे जाते हैं और लगातार हमको बचपन से ये सिखाया जाता है कि अम्बेडकर आरक्षण के अगुआ हैं, अम्बेडकर जाति के अगुआ हैं, एक खासी खास जाति के अगुआ हैं। और यह बात कह करके लगातार हमारे मन में जो यह भ्रम फैलाया जाता है उसके खिलाफ या उससे संबंधित मैं जब अम्बेडकर को पढ़ पाता हूँ, अम्बेडकर के संदर्भ में जितने अध्ययन कर पाता हूँ और उस अध्ययन से मैं थोड़ी बहुत बातें जब नोट करता हूँ तो मुझे यह कतई नहीं लगता कि अम्बेडकर किसी खाके में बांधे जाने वाले व्यक्ति हैं। उनकी संकल्पना जहाँ भारत के सबसे निचले वर्ग सामाजिक समरसता के संदर्भ में थी, वहीं अगर आज आप एक बड़े मुद्दे को, समकालीन मुद्दे को, कश्मीर मुद्दे को देखेंगे तो अम्बेडकर उस समय पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में आज जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उससे संबंधित विचार रख रहे थे। और कमोबेश जिस अम्बेडकर ने अपनी उस पुस्तक में जिस तीन भाग पर उस क्षेत्र को बांटने की कोशिश की थी, उन्होंने एक बात कही थी कि इस क्षेत्र को तीन भागों में बांट दिया जाए, कमोबेश आज की सरकार जो है उस क्षेत्र को उन्हीं आधारों पर बांटने की कोशिश कर रही है, अलग अलग भ्रम फैला करके, अलग अलग चीज़ें करके, जो अम्बेडकर के कोट एंड कोट सारी बातों को वह जो है नहीं ले रही, उसके बारे में उसका जो सेल है वह सारी तमाम चीज़ें जो है गलत भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश कर रही है। मैं उस तरफ ना जाते हुए एक अकादमिक बात रखते हुए यह कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर इस पूरे समाज को सामाजिक समरसता के तहत सबसे पहले वो सामाजिक क्रांति के माध्यम से जो है बदलना चाहते हैं और उसको मैं तीन चरणों में देखने की कोशिश करता हूँ। हमारा समाज जो गंभीर रूप में धार्मिक सामाजिक आडंबर में फैला हुआ था, अम्बेडकर 1920 तक यह कोशिश करते हैं, 1920 से यह कोशिश करते हैं कि जो हिंदू धर्म में तमाम असमानता की भावना है, आडंबर की भावना है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए। और उसको दूर करते हुए वह जब मंदिर प्रवेश आंदोलन करते हैं, महार सत्याग्रह करते हैं, नासिक आंदोलन करते हैं, येवला आंदोलन करते हैं, लेकिन जब उनको सामाजिक समरसता या सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन का उनका दूसरा चरण आता है, इन तीन चरणों की मैं बात कर रहा हूँ, जब दूसरा चरण आता है तो जब वह देख लेते हैं कि यह समाज जब गंभीर रूप में आकंठित है, उसमें डूबा हुआ है और यह कहते हैं कि अधिकतर आबादी उन ग्रंथों के आधार पर लगातार ग्रसित है, तो फिर वह कहते हैं कि नहीं, हम इस धर्म में बदलाव नहीं, इस धर्म का विरोध करेंगे, इस पूरी प्रवृत्ति का विरोध करेंगे। और वह उसके बाद जो है विरोध करना शुरू करते हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा वह महत्वपूर्ण मानते हैं आडंबर का विरोध और शिक्षा का प्रसार। और जब वह तीसरे चरण में आते हैं बाद में, वह ये कहते हैं कि हम उस धर्म में बदलाव नहीं और धर्म का विरोध नहीं, बल्कि एक दूसरे विचार का हम अपने ऊपर आरोपण करेंगे और वह विचार होगा बौद्ध का। और बुद्ध तो जब वह नागपुर में जाकर के दीक्षा लेते हैं, क्योंकि मैंने नागपुर से पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ, जिस दिन विजयादशमी का दिन होता है उस दिन मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा आयोजन पूरे देश में कहीं होता होगा अम्बेडकर को लेकर, और वहाँ कोई लोग आडंबर और किसी तरीके के जो दिखावे के लिए नहीं उपस्थित होते हैं, बल्कि एक दूसरे से विचार के आदान प्रदान के लिए उपस्थित होते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उपस्थित होते हैं। जो भी संभव है, मेरा उनसे निवेदन है कि उनको जाकर के नागपुर में उस कम से कम समूह को देखना चाहिए कि किस तरह से वह लोग अम्बेडकर को जीते हैं, किस तरह से मानते हैं, और उस बुद्ध को वह मानते हैं और बुद्ध के विचार को मानते हैं, ना कि जो बुद्ध धार्मिक कर्मकांडों के आधार आयातित कर लिए गए उसको मानने की कोशिश नहीं करते हैं, वह बुद्ध के विचार को ग्रहण करते हैं, सामाजिक रूप में अम्बेडकर जिस रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। जब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अम्बेडकर राजनीतिक चिंतक के रूप में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हैं और वह राजनीतिक चिंतक के रूप में अलग अलग रूप में संगठन और पार्टी निर्माण का काम करते हैं। वह धर्म के रूप में सबसे पहले जाति सामाजिक संदर्भों के रूप में जाति जो सबसे ज़्यादा बैरियर था उस पर 1936 में वह किताब लिखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। और वह किताब 1936 में प्रकाशित होती है और 1936
मैं क्योंकि हिंदी पढ़ता पढ़ाता हूँ और थोड़ी सामाजिक संदर्भों को भी जानने समझने की कोशिश करता हूँ। 1936 के आसपास गांधी जो है गुजरात छोड़ करके महाराष्ट्र आ जाते हैं। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का लखनऊ में एग्जीबिशन होता है। 1936 में ढेर सारे महत्वपूर्ण साहित्य लिखे जाते हैं। ठीक वही समय था और प्रेमचंद पर मैं इसका सीधा प्रभाव देखता हूँ कि प्रेमचंद अपने साहित्य में दलितों के संदर्भ में महत्वपूर्ण साहित्य रचना कर रहे थे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 1936 में जो है वह इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन की स्थापना करते हैं जो उनका पहला राजनीतिक संगठन था। उसके बाद एससी फेडरेशन, स्वतंत्र मजदूर दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद वह स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अंबेडकर की चेतना सामाजिक संदर्भों के साथ साथ यह वह मानते थे कि जब तक हमारा प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व राजनीति में इसलिए होना जरूरी है क्योंकि राजनीति नियामक घटक है, वह सारे नियम बनाती है और वह नियम जब आप उस नियम में शामिल नहीं रहेंगे तो पक्का एक बार नियम आपके खिलाफ बनाए जाएंगे, उस नियम में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अंबेडकर ये मानते थे कि नियामक तत्वों पर जब तक आप शामिल दिखा देंगे कहते मुझे नहीं चाहिए ये सारे। कौन इस तरह का उस दौर में एक नेता था जो इस तरह का विरोध कर रहा हो? कोई आदमी नहीं। हिंदू कोटिल का वही विरोध करते हैं, शिक्षा के रूप में कहते हैं, शिक्षा के रूप में उनका सबसे महत्वपूर्ण जो कोट है कहते हैं शिक्षा वह उस शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वह दहाड़े। शिक्षा सबके लिए जरूरी है और वह अपनी पुस्तक में कहते हैं कि शिक्षा सरकारी होनी चाहिए क्योंकि हमारा वंचित तबका प्राइवेट विद्यालयों में या जो कुछ सामंती लोग हैं जो शिक्षा पर कब्जा जमाए हुए हैं उनके विद्यालयों में हम नहीं कर सकते। जिसका जिक्र थोड़ी देर मेरे बहुत लेकर गए थे कि किस तरह से विधवा हुए और शांति बैठ हुए हैं। कौन सावित्री भरत शिक्षक दिवस आप मनाते हैं और क्या उस व्यक्ति का शिक्षा में क्या योगदान ये पता नहीं है। सावित्री बाई फुले जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया उनके ऊपर गोबर फेंके गए, पत्थर मारे गए, लेकिन उनके नाम पर आप शिक्षक दिवस मनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आपको बचपन से यह भ्रम फैलाया जाता है कि आपके यही लोग नायक हैं और यही लोग महान हैं और आपको इस भ्रम में आपको कोशिश कन्वे किया जाए। उन्होंने जो बॉम्बे असेंबली में यह सरकारी शिक्षा को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जो है शिक्षा ग्रहण करेंगे तो कई सरकारी महत्वपूर्ण पत्रकार देवा भोजन न्याय निकालते थे, जनता निकालते थे, समता नाम का अखबार निकालते थे और यह कहना था कि हमारी सूचनाएँ वंचित तबके तक जिन तक सूचनाएँ बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचती हैं वंचित तबके तक हम अखबार निकालेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें लिखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेख लिखेंगे क्योंकि आपके लिए जो कथित मुख्य धारा के अखबार में उन्हें नहीं शामिल हो पाते तो अखबार निकालेंगे, हम अपने संस्थान बनाएंगे। ये सारी चीज़ें अम्बेडकर में समान रूप से एक समय में शामिल। अम्बेडकर किताबों को पढ़ने वाले व्यक्ति और मैं अपनी बात को इन्हीं अंतिम वाक्य से खत्म करूँगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आज आप व्हाट्सएप पर अम्बेडकर के बारे में जो पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं हो सकता है वह बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो आपको, लेकिन थोड़ा सा इस पर होकर मैं आयोजन मंडल से भी आग्रह करूँगा, महाविद्यालय प्रशासन से भी आग्रह करूँगा कि कम से कम एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिस अम्बेडकर पर पूरा देश विवश होकर के उसका नाम लेवा भर रहा है। उस अम्बेडकर को कम से कम कुछ नहीं जो छात्रावासों में उसके आंदोलन मना करके रखे जाएँ। गुलामगिरी की 5 रुपया मैं दे सकता हूँ उसको आप करिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा, या अम्बेडकर के ढेर सारे रचनाएँ मेरे पास हैं आप मुझसे मिल करके ढेर सारे चीजें कर सकते हैं। आयोजन केवल 14 अप्रैल को ना होकर के यह पूरे साल चलते रहना चाहिए, फिर यह चिंता आपको मेरी कभी भी नहीं करनी होगी कि आपकी भीड़ कम है या अम्बेडकर की भीड़ की चिंता किए भी नहीं। उस दौर में आज़ादी के आंदोलन में ढेरों लोग थे नेतृत्व करता थे और उनके पीछे ढेरों आबादी चला करती थी और अम्बेडकर के पीछे आपको कोई भी नहीं मिलेगा कि अम्बेडकर के पीछे आबादी चला करती थी। आप मजबूत करिए, एक दिन आपके विचार को पूरा देश, अम्बेडकर के विचार को पूरा देश, वो जरूरी है कि वह जो असली बात जो वांग्मय से निकलती है वांग्मय को पढ़ने जाने की जरूरत है, जो उनकी राइटिंग है उसको मूल रूप से ज़्यादा पढ़ने जाने की जरूरत है। आपके कुछ सितारों में पढ़ी हुई चीज़ें हैं, आप ज़्यादा मेहनत करिए, दिखावे से अलग अपने हृदय को और अपने ज्ञान को अपनी प्रक्रिया को ज़्यादा मजबूत करिए, लेकिन निश्चित रूप में अपने हक और अधिकार को
ज़्यादा मुकम्मल रूप में आप प्राप्त कर पाएंगे। आयोजन मंडल ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे वक्त दिया।